तो हेलो गाइस, तो मैं हूं नरू और आप देख रहे हो क्रिएटिव नरू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं एक जो पोर्टेबल टाइप का माइक दिख रहा है वो हम बनाने वाले हैं। तो ये फुल मेटालिक बॉडी का है, तो ये 100% वर्किंग है। तो इस वीडियो की पूरी वॉइस ओवर मैंने इसी माइक से की है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं एक लोहे का पाइप ले रहा हूँ जो कि मैंने छाते से निकाला है। तो छाते से निकाल कर इसका हमें इस तरह से एक पीस छोटा सा कट कर लेना है। जस्ट हमारा इसका माइक लगने वाला है। तो ये है माइक जो मुझे ख़राब ईयरफोन से मिला है। तो आप भी ख़राब ईयरफोन से इसे निकाल सकते हो। तो इसके अंदर ये बहुत ही अच्छी तरह से टाइट आ रहा है। तो अब हमें इस तरह से एक लोहे का शीट की पट्टी कट कर लेनी है। तो कुछ इसे इस तरह से यहाँ पर शोल्ड कर देना है। तो शोल्डिंग से हमारा ये बहुत ही टाइट फिट हो जाएगा। तो मैंने पाइप के पीस भी शोल्डिंग कर दिए हैं और जो पट्टी निकाली थी लोहे की उस पर भी शोल्डिंग कर दिए। तो हमें कुछ इस तरह से रखकर ऊपर से सिर्फ इसे गर्म कर देना है, फिर आसानी से इसे हम चिपका सकते हैं। तो देखो शोल्ड बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है, बहुत ही टाइट आ रहा है। तो ये चिमटे का काम करेगा। तो ये है माइक। तो इसको हमें वायर शोल्डिंग करके कुछ इस तरह से लगाना होगा। तो कुछ बहुत ही टाइट आ रहा है, तो हमारा बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। तो देखो अब मैंने कुछ वायर लिए हैं। तो आप चाहे तो आपको जितनी मर्जी होगी उतनी आप वायर ले सकते हो। फिर हमें प्लस माइनस देखकर इसमें वायर कनेक्ट कर देनी है। तो देखो ये मैंने प्लस वायर कनेक्ट कर दी और ये माइनस वायर। तो वायर कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हमें इस वायर को उस पाइप लोहे के पाइप के टुकड़े से इस तरह से निकाल कर माइक को इसके अंदर कुछ इस तरह से फिट कर देना है। तो बहुत ही अच्छे तरह से ये फिट हो जाएगा। तो देखो मैंने किया। तो अब हमें एक फोम लेकर इस तरह से एक फोम लेकर उसके ऊपर राउंड शेप में कट करके इसके ऊपर लगा देना है। तो देखो मैं गाइस राउंड शेप में इसे कट कर लाऊँ फोम को। तो आप इसे देख कर कट करो, आपके मर्जी से आप इसे कट कर सकते हो। तो देखे मैंने राउंड शेप में कट कर लिया। अब इसके मिड में होल करने वाले हैं ताकि जो हमारा लोहे का पाइप है उसके अंदर फिट आ जाए। तो देखिए लोहे के अंदर ये बहुत ही अच्छी तरह से फिट आता है। तो हम इसे सुपर ग्लू की मदद से अच्छी तरह से चिपका देंगे, लेकिन ध्यान से चिपकाना, अगर ग्लू जो सुपर ग्लू हो वो माइक को ना लगे। तो देखो बहुत अच्छे से चिपका है। तो अब हमें एक ऑडियो जैक लेना है। तो जैक का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है वो माइक्रोफोन का होता है, जस्ट उसके ऊपर वाला वो ग्राउंड का होता है। तो अब हम इसे वायर कनेक्ट करने वाले हैं। तो जो नीचे वाले में वायर कनेक्ट कर रहा है वो प्लस है और जस्ट इसके ऊपर वाला पॉइंट है वो माइनस वाला है। तो देखो कुछ इस तरह से कनेक्ट करने के बाद ये दिखने वाला है। तो गाइस मैं आपको चिमटे से अच्छी तरह से समझने वाला हूँ। तो आप इसे देख कर कनेक्ट कर सकते हो। और जो हमारे स्पीकर के लेफ्ट राइट पॉइंट है इसको हमें एक दूसरे में कनेक्ट कर देना है। तो मैंने एक पाइप लिया और उसके अंदर जो जैक है हमारा उसको अच्छी तरह से फिट कर लिया है, बीच में से कट करके अच्छी तरह से पैक कर लिया है। तो अब हम इस पाइप के अंदर ग्लू गन भरने वाले हैं। तो ग्लू गन के मदद से अच्छी तरह से टाइट होगा और जो हमारा पाइप लगा है उसके अंदर भी हम ग्लू गन भर देंगे, तो इससे अच्छे से टाइट होगा। तो अब मैं जैक को मोबाइल में लगा दे रहा हूँ। तो लगाने के बाद जो इसका नोटिफिकेशन मार्क है वो मोबाइल में आ चुका है, आप देख सकते हो। तो अब चलो इसको टेस्टिंग करते हैं। तो देखो मैं बोल रहा हूँ तो साउंड आ रहा है। हेलो माइक चेक, हेलो हेलो तो अब हेलो इसे माइक चेक। चालू करते हैं तो आप सुन सकते हो। तो अगर हेलो माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक।